अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी जनाब, स्क्रीन और कैमरा सब तो क्लियर है तो मुझे बता दें। चलें जी, स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया हुआ है और हमने अब इसके पास पेपर जो हैं वो डिस्कस करने हैं। तो मैं आपको इस चैप्टर के सारे पास पेपर क्वेश्चंस जो हैं वो आज सारे डिस्कस करके बताता हूँ और देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या है और कैसे आया हुआ है। क्या पहला सवाल है, ब्रीफली डिस्कस द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द फॉलोइंग पर्सन अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 फॉर द टैक्स ईयर 2008। देखें, सवाल पढ़ते हुए आपने हाईलाइट करना है वो क्या चीज़ मांग रहा है। इज़ आस्किंग अबाउट द रेजिडेंशियल स्टेटस, टैक्स ईयर कौन सा है 2008। अब जब भी ये इस तरह के सवाल आप कर रहे होंगे ना, तो आपने टैक्स ईयर को जो गिवन है उसको हाईलाइट कर लेना। 2008 का मतलब है शुरू हुआ 1 जुलाई 2007 पे और ख़त्म होगा जाके 30 जून 2008। सर, ये हमारा पीरियड है, हमने इसके रेफरेंस पे बताना है रेजिडेंट है के नहीं है। कहता जी, आसिफ इज़ एन एम्प्लॉय ऑफ बलूचिस्तान गवर्नमेंट हु हैज़ बीन सेंट टू यूके फॉर ऑफिशियल असाइनमेंट फॉर 2 ईयर्स। हम ये पढ़ के आ चुके हैं कि जो भी हमारे सरकारी मुलाजमीन होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, रेजिडेंट होते हैं। उनके लिए हम कोई दूसरा रूल, तीसरा रूल जो है वो कुछ भी नहीं लगा रहे होते। जो हमारे सरकारी मुलाजमीन हैं वो क्या होते हैं, हमारे हमेशा रेजिडेंट ही ट्रीट हो रहे होते हैं। और चूँकि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ये भाई साहब क्या होंगे, आसिफ साहब जो हैं वो रेजिडेंट होंगे। फिर आगे है जी, मेसर्स अख्तर एंड को इज़ अ पार्टनरशिप फर्म। ओके जी, ये क्या है, पार्टनरशिप फर्म है। फाइनेंशियल कंसल्टेंसी बिजनेस कर रही है पाकिस्तान में और यूएई में। आगे वो हमें बताता है बिजनेस के अलावा कि मैनेजमेंट ऑफ इट्स कंट्रोल एंड अफेयर्स इज सिचुएटेड पार्टली इन यूएई एंड पार्टली इन पाकिस्तान। हम पढ़ के आ चुके हैं कि अगर कोई भी एओपी है, अगर उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पार्टली इन पाकिस्तान है और पार्टली इन दूसरे कंट्री हो, तो हम उसे क्या मानते हैं, रेजिडेंट मानते हैं। चूँकि इसका है क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही है, इसलिए ये क्या कंसिडर होगी, इसलिए ये हमारी रेजिडेंट कंसिडर हो रही होगी। अगला सवाल देखते हैं, स्टेट द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 रिगार्डिंग द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनीज एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सन। बताएं जी, कंपनीज़ के बारे में और एओपी के बारे में हमने यहाँ पर बताना है। हमें पता है कंपनी का अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट अगर होली पाकिस्तान में सिचुएट करता है किसी भी एक टैक्स ईयर में, हम इसे क्या मानते हैं, रेजिडेंट मानते हैं। और एओपी के बारे में था कि एओपी का अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पार्टली या होली अगर किसी भी एक टैक्स ईयर में पाकिस्तान में सिचुएट कर जाए, इसे हम क्या मानते हैं, रेजिडेंट मान रहे होते हैं। तो ये हमने यहाँ पे बताना है। अच्छा जी, अगला सवाल देखते हैं। कहते हैं, डिस्कस द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द फॉलोइंग पर्सन फॉर टैक्स ईयर 2008। अब टैक्स ईयर यहाँ पे है तो लिख लें, मेंशन कर लें, स्टार्ट हुआ होगा 1 जुलाई 2007 पे और ख़त्म हो रहा है हमारा जाके 30 जून 2008 पे। ये आपने लिख लेना है यहाँ पे, इसके रेफरेंस से आपने बात करनी है। पहला है जी, मिस्टर शाह हैज़ बिन वर्किंग एज इंफॉर्मेशन एनालिस्ट इन द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। देखिए, जब आपने इतना ही पॉइंट पढ़ लिया ना, कोई सरकारी मुलाजिम है, आगे पढ़ने की आपको नीड ही नहीं है। इसलिए जो भी आपके सरकारी मुलाजिम होते हैं
वो हमेशा क्या होते हैं, रेजिडेंट होते हैं, तो इनके ऊपर तो हम कोई किसी किस्म का रूल वगैरह अप्लाई नहीं करेंगे। आगे है AS लर्निंग सेंटर इज़ अ पार्टनरशिप कंसर्न प्रोवाइडिंग IT ट्रेनिंग टू प्रोफेशनल्स इन पाकिस्तान UAE एंड सऊदी अरेबिया। हमने कहा जी ठीक है। अप टू 31 जुलाई 2017 द मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ इट्स अफेयर वाज सिचुएटेड पार्टली इन पाकिस्तान। हाउएवर विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अगस्त द एंटायर मैनेजमेंट एंड कंट्रोल वाज शिफ्टेड टू दुबई। हम पार्टनरशिप के बारे में पढ़ के आ चुके हैं कि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पार्टली या होली, अगर एक टैक्स ईयर में एक दिन के लिए भी हो तो हम उसे क्या मानते हैं, रेजिडेंट मानते हैं। यहाँ पे तो इसका मैनेजमेंट एक महीना पूरे जुलाई का महीना अवेलेबल रहा है, उसके बाद शिफ्ट हो गए हैं, एक महीना तो थे इसलिए ये क्या कंसिडर होंगे, रेजिडेंट कंसिडर हो रहे होंगे। फिर मिस्टर LT वॉज सेंट टू पाकिस्तान ऑन अ असाइनमेंट बाय हिज UK बेस्ड कंपनी ऑन 1 मार्च 2008 एंड ही लेफ्ट पाकिस्तान ऑन 9 सितंबर 2008। देखिए जी, इस तरह का सवाल होना, अब हमने देखना है हमारा ईयर एंड क्या था, 2008। इसका मतलब क्या है ईयर एंड का, हमने करना है 30 जून 2008 तक कैलकुलेट डेज। अब वो बंदा कब आया पाकिस्तान, वो बंदा आया है पाकिस्तान मार्च के महीने में, तो हम लिख लेते हैं मार्च 1 को आया तो 31 दिन मार्च के बनते हैं, 30 दिन जो हैं वो बनते हैं अप्रैल के, 31 दिन जो हैं वो बनते हैं मई के, और 30 दिन जो हैं वो बनते हैं जून के, बिकॉज हमने ईयर एंड तक काउंट करना होता है, हमने जो काउंटिंग करनी है हमने ईयर एंड तक काउंटिंग करनी होती है। तो इसके कितने दिन बनेंगे, 122 दिन बनेंगे, विच इज़ लेस देन 183 डेज, इसलिए ये भाई साहब क्या कंसिडर होंगे, नॉन रेजिडेंट जो हैं वो कंसिडर हो रहे होंगे। फिर F ट्रेडिंग LLC वॉज इनकॉर्पोरेटेड एज अ लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी इन UAE। अच्छा, ये कंपनी UAE में बनी है इसलिए अब अगला रूल जाएंगे, अगर ये कंपनी पाकिस्तान में बनी होती तो ये हमेशा रेजिडेंट होनी थी। मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ इट्स अफेयर आर सिचुएटेड होली इन पाकिस्तान, पूरे का पूरा पाकिस्तान में मौजूद है इसलिए ये क्या कंसिडर होगी, हमारी रेजिडेंट कंसिडर हो रही होगी। गॉट इट। उसके बाद है स्टेट द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 विद रिगार्ड्स टू द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल एंड कंपनीज। ये हमें पढ़ चुके हैं कि इंडिविजुअल का क्या है, 183 डेज या उससे ज़्यादा का स्टे एक ही टैक्स ईयर में हो हम उसे क्या कहेंगे, हम उसको रेजिडेंट कह रहे होंगे। कंपनीज के बारे में पढ़ चुके हैं कि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली इन पाकिस्तान हो तो हम उसे क्या मानते हैं, हम उसे कंपनी जो है रेजिडेंट कंपनी कंसिडर कर रहे होते हैं। और सरकारी मुलाजमिन हमेशा क्या होते हैं, रेजिडेंट होते हैं। और कोई भी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान जिसका स्टे किसी भी कंट्री में 182 डेज से अबव नहीं है, मतलब अगर वो किसी भी कंपनी का रेजिडेंट नहीं है तो किसका रेजिडेंट कंसिडर होगा, पाकिस्तान का रेजिडेंट जो है वो कंसिडर हो रहा होगा। तो ये सारा हमने पढ़ा हुआ है, रूल वही है प्रोड्यूस करने। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। रिक्वायरमेंट है हमारी क्वेश्चन नंबर 5 की, डैट इज़ डिस्कस द टैक्सेबिलिटी ऑफ द अमाउंट्स रिसीव्ड बाय मार्गरेट। हमने अमाउंट्स की टैक्सेबिलिटी के ऊपर कमेंट करना है फॉर कंडक्टिंग वर्कशॉप सेशंस ड्यूरिंग टैक्स ईयर 2008। इसने कुछ सेशंस की हैं उसके बारे में हमने कमेंट करना है, देख लेते हैं। मार्गरेट अ जर्मन नेशनल वॉज एम्प्लॉयड एज अ टेक्निकल मैनेजर ऑफ F केमिकल्स लिमिटेड। जर्मन नेशनल है, एम्प्लॉयमेंटशिप में आई है, और कंपनी जो है वो कौन सी है, रेजिडेंट कंपनी है। ऑन 1 अक्टूबर 2006 को फॉर अ टर्म ऑफ 2 ईयर्स, 2 साल के लिए। अब इतनी बात मुझे लग के पता लग गई है कि ये कहानी किसकी चल रही है, ये कहानी हमारी चल रही है वो है शॉर्ट टर्म रेजिडेंट की। किसकी कहानी चल रही है हमारी, हमारी कहानी चल रही है शॉर्ट टर्म रेजिडेंट की बात जो है हम कर रहे हैं, बिकॉज एम्प्लॉयमेंटशिप के लिए हो, स्टे 3 साल तक हो, नौकरी करे, वो शॉर्ट टर्म रेजिडेंट है, और अगर वो फॉरन इनकम कोई पाकिस्तान में रिसीव नहीं करेगा तो वो एग्जेम्प्ट होगी। तो कहानी सारी उसकी है। अंडर द एम्प्लॉयमेंट टर्म शी वॉज अलाउड टू डिलीवर लेक्चर्स एट वेरियस प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन। 2008 शी कंडक्टेड 3 वर्कशॉप सेशंस
द डिटेल ऑफ विच आर एज फॉलो, जिसकी डिटेल उसने हमें यहाँ पर गिवन की है। वर्कशॉप सेशन इन लाहौर, लाहौर में की है। अब जो लाहौर में वर्कशॉप की है उसकी जो इनकम रिसीव हुई है वो इसकी पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम कहलाएगी, और जो पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम है वो हमारी हमेशा क्या होती है, टैक्सेबल होती है। इसको $15,000 की फ़ी मिली है इन इक्विवेलेंट PKR फ्रॉम अ लोकल इवेंट मैनेजर। द फी वॉज क्रेडिटेड टू हर बैंक अकाउंट मेंटेन्ड इन कराची। तो पाकिस्तान की इनकम पाकिस्तान में मिली है तो ये क्या होगी, टैक्सेबल होगी। फिर है जी वर्कशॉप सेशन इन म्यूनिक, म्यूनिक में उसने एक वर्कशॉप सेशन किया, $25,000 मिले हैं और वो जर्मनी में ही रिसीव हुए हैं, पाकिस्तान नहीं लेके आई। हम पढ़ के एज ए शॉर्ट टर्म रेजिडेंट हो, अगर कोई शॉर्ट टर्म रेजिडेंट को फॉरेन इनकम मिलती है, अगर वो पाकिस्तान में नहीं आती तो ये क्या होगी, एग्जेम्प्ट ही होगी, टैक्सेबल नहीं होगी। क्योंकि ये पाकिस्तान में नहीं आई तो ये क्या है, एग्जेम्प्ट है। फिर वर्कशॉप सेशन इन दुबई, $20,000 उसको रेमिट हुआ है उसके बैंक अकाउंट में कराची में, दुबई में किया, पैसे यहाँ पे आ गए, तो फॉरेन इनकम पाकिस्तान में रिसीव हो गई है। अगर फॉरेन इनकम पाकिस्तान में रिसीव हो जाए, ऑल्दो शी इज़ अ फॉरेन शॉर्ट टर्म रेजिडेंट, लेकिन जो इनकम पाकिस्तान में रिसीव हुई होगी वो इसकी क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। तो एक ये वाली इनकम टैक्सेबल है, एक ये वाली इनकम टैक्सेबल है, ये वाली इनकम इसकी एग्जेम्प्ट है। ये टैक्सेबल है बिकॉज इट इज़ अ पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम, ये एग्जेम्प्ट है, इसको यहाँ पर रिसीव ही नहीं हुई, और ये इसलिए टैक्सेबल है बिकॉज इसको पाकिस्तान में ये रिसीव हो गई है। तो ये एक अच्छा सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन था फ्रॉम शॉर्ट टर्म रेजिडेंट। ये क्लियर है, समझ आई है इसकी? फिर अगला सवाल है जी, स्टेट द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस फॉर रिडर्मिंग द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन IOP। ये हमने पढ़ लिया, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, यही रिपीट हो रहा है। अगला सवाल देखते हैं, इन द व्यू ऑफ प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 एंड रूल्स मेड देयर अंडर, डिटर्मिन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द फॉलोइंग पर्सन फॉर टैक्स ईयर 2013। इसको 13 कर लें, 20X3 कर लें। मिस्टर आर प्रोसीडेड टू सऊदी अरेबिया ऑन 24 दिसंबर 2012 टू अज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन हिज न्यू जॉब। अपनी न्यू जॉब के लिए वो क्या चला गया है, वो सऊदी अरब चला गया है। ही विजिटेड कराची फ्रॉम 20 जून 2013 टू 24 जून 2013, 13 आएगा, फॉर प्रेजेंटिंग अ पेपर इन अ सेमिनार, बट ड्यू टू अनअवॉइडेबल सरकमस्टांसेस द सेमिनार वॉज कैंसल। हमने बताना है ये भाई साहब रेजिडेंट हैं या नहीं है। देखिए सबसे पहले हम टैक्स ईयर लिख लेते हैं, टैक्स ईयर क्या है, टैक्स ईयर 13 है, तो हम शुरू करेंगे 1 जुलाई 2X2 पे और ख़त्म करेंगे हम जाके 30 जून 2X3 पे। इस पर हम क्या करेंगे, ख़त्म करके बैठे होंगे। अब ये बंदा 24 दिसंबर को पाकिस्तान से गया, इसका मतलब 24 दिसंबर तक तो पाकिस्तान था ये, तो यहाँ से काउंट करते हैं हम, जुलाई के कितने दिन बनते हैं ये बच्चों, 31 दिन। अगस्त के कितने दिन बने इस टैक्स ईयर में, 31 दिन। सितंबर के कितने दिन बने हैं, 30 दिन। अक्टूबर के कितने दिन बने हैं, 31 दिन। नवंबर के कितने दिन बने हैं, 31 दिन। और दिसंबर 24 को गया है, डे ऑफ डिपार्चर भी इसमें शामिल होता है, तो दिसंबर कितने बनेंगे इसके, 24 दिन बनेंगे। ये तो आ गए, उसके बाद पाकिस्तान आया था 20 जून से लेके 24 जून तक, तो जून के 5 दिन भी हम इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो जून के 5 दिन भी हम इसमें ऐड करते हैं। अब इसका सम करके बताएं कितना आता है, कितने बनेंगे, 183
सॉरी नवंबर के 30 दिन होते हैं, नवंबर 31 दिन नहीं होते। उसे डेज बनेंगे 182, क्योंकि 182 डेज हैं, लेस देन 183 है, तो ये क्या कहलाएगा? नॉन रेजिडेंट। क्या कहलाएगा? नॉन रेजिडेंट कहला रहा होगा। उसके बाद मिस्टर के एन ऑफिसर एट मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, यहाँ पे पढ़ के आगे मैंने पढ़ना ही नहीं है। सरकारी मुलाजिम में आंखें बंद करके कह दें कौन होगा? रेजिडेंट होगा। कौन होगा? रेजिडेंट होगा। उसके बाद है ए एसोसिएट्स इज़ अ पार्टनरशिप फर्म एंड प्रोवाइड कंसल्टेंसी सर्विसेज इन पाकिस्तान एज वेल एज इन यूके। द मैनेजमेंट ऑफ कंट्रोल इज सिचुएटेड पार्टली इन यूके एंड पार्टली इन पाकिस्तान, तो ये क्या होगी? हमारी रेजिडेंट कंसिडर होगी। फिर मिस्टर एस आ नाइजेरियन फुटबॉल कोच केम टू पाकिस्तान फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 28 फरवरी 2013 एंड लेफ्ट ऑन 31 दिसंबर 2013। हमने तो अपने ईयर एंड तक, देखें ये अगले ईयर में पहुँच गए, हमने पहले ही यहाँ पे अपना ईयर स्पेसिफाई किया है, वो 30 जून को ख़त्म हो रहा है। हमने अपने ईयर एंड तक ही काउंट करना होता है। तो फेब में आया ये 28 को, तो फेब का एक दिन काउंट हुआ, मार्च के 31 दिन काउंट हुए, अप्रैल के 30 दिन काउंट हुए, मई के 31 दिन काउंट हुए और जून के 30 दिन काउंट हुए। इन सब को सम करेंगे आप तो दैट इज़ लेस देन 183। इसे हम क्या कह देंगे कि ये मिस्टर एस बी जो है वो क्या है? नॉन रेजिडेंट है, ये हमारे रेजिडेंट नहीं है। फिर है अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 एक्सप्लेन स्पेशल टैक्स ईयर, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर हम पढ़ के आ चुके हुए हैं। अ टैक्स ईयर विच इज़ अदर देन द नॉर्मल टैक्स ईयर इज़ नोन एज स्पेशल टैक्स ईयर। और व्हाट इज़ ट्रांजिशनल टैक्स ईयर? कि जब हम टैक्स ईयर चेंज करते हैं ड्यू टू स्विचिंग ऑफ टैक्स ईयर, जो हमारा टैक्स जनरेट हो रहा होता है गैप, वो मेरा क्या कहलाता है? ट्रांजिशनल टैक्स ईयर जो है वो कहला रहा होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कहता है जी अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 एंड रूल्स मेड देयर अंडर डिस्कस द रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर टैक्स ईयर 2007 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। टैक्स ईयर है हमारा 2007। अब इसको रेफरेंस पता होना चाहिए। शुरू हुआ होगा 1 जुलाई 2006 पे, ख़त्म हो रहा है 30 जून 2007 पे, तो ये हमें ये रेफरेंस पता होना चाहिए। अब जो बात करनी है इस डेट से लेके इस डेट के दरमियान बात करनी है। कहता जी ऑन 21 सितंबर 2016, इसको एक्स सेवन सिक्स कर लें, 21 सितंबर को आसिफ प्रोसीडेड टू दुबई टू ज्वाइन हिज न्यू जॉब ड्यू टू सर्टेन प्रोफेशनल इश्यूज विद हिज एम्प्लॉयर इन दुबई। ही रिजाइंड ऑन 1 मई 2017 एंड केम बैक टू पाकिस्तान। पाकिस्तान आ गया, 16 मई को उसको नई जॉब मिल गई और उसने 30 जून तक गई। हमने आसिफ के बारे में बताना है। अब ये क्या है? 21 सितंबर को। अब इस टैक्स ईयर की बात करें तो जुलाई के 31 दिन वो पाकिस्तान था, अगस्त के 31 दिन वो पाकिस्तान था और सितंबर में गया है तो सितंबर के 21 दिन वो पाकिस्तान में था। ये हो गया। अब वो वापस आया है मई में, 1 मई को आ गया, तो पूरे मई के 31 दिन बनते हैं और जून ईयर एंड पे भी वो यहाँ मौजूद है तो 30 बनते हैं। इन सब का सम करके बताएं कितने दिन बनते हैं इसके? वन फोर्टी फोर डेज, विच इज़ लेस देन 183 डेज। तो आसिफ जो है इस टैक्स ईयर के लिए नॉन रेजिडेंट है। क्या है? नॉन रेजिडेंट है। फिर है जी हमारे पास एस एसोसिएट्स एन ए ओ पी प्रोवाइड्स अकाउंटिंग सर्विसेज इन दुबई ऑन 2 जनवरी 2007 एंटायर मैनेजमेंट वॉज शिफ्टेड फ्रॉम कराची टू दुबई। अब जनवरी में गई है, लेकिन इस टैक्स ईयर में देखा जाए तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 6 माह तो पाकिस्तान में था
और हम पढ़ के आए हैं कि अगर वो एक दिन के लिए भी पाकिस्तान में हो तो हम उन्हें क्या मानते हैं, हम उन्हें रेजिडेंट मान रहे होते हैं। तो 6 माह रही है, इसलिए ये हमारी क्या कंसिडर होगी, रेजिडेंट ही कंसिडर हो रही होगी। अगला सवाल देखते हैं, एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट ऑफ फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम। अब यहाँ पर सवाल चेंज है, हमने फॉरेन सोर्स इनकम का ट्रीटमेंट बताना है फॉर टैक्स ईयर 2007। अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिचुएशन, इन इंडिपेंडेंट सिचुएशंस के तहत जोसेफ अ साउथ अफ्रीकन इज वर्किंग इन पाकिस्तान अंडर अ 2 ईयर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट इन 2016। अब ये लाइन पढ़ के यहाँ तक मुझे समझ आ गई है कि ये बात हो रही है हमारी शॉर्ट टर्म रेजिडेंट की। इसकी बात हो रही है शॉर्ट टर्म रेजिडेंट की। ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 2007 ही अर्नड फॉरेन सोर्स इनकम फ्रॉम हिज बिजनेस एस्टैब्लिश इन साउथ अफ्रीका एंड ड्रॉ 25% ऑफ इनकम इन पाकिस्तान। तो भाई सिंपल सी बात है, शॉर्ट टर्म रेजिडेंट था, कोई मसला नहीं था, लेकिन जितनी इनकम पाकिस्तान में आ गई है वो इनकम क्या हो जाएगी, इसकी टैक्स एबल हो जाएगी, इसको इस 25% इनकम पे क्या करना पड़ेगा, टैक्स जो है वो पे करना पड़ेगा। फिर ऑन 15 जनवरी 2006 फरहान रिटर्न टू पाकिस्तान फ्रॉम लंडन आफ्टर 10 ईयर्स एंड हैज़ बिन लिविंग इन पाकिस्तान सिंस देन। ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 2007 ही रिसीव £5,000 एज रिटर्न। अब ये कहानी है हमारी किसकी, रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट की। हमें पता है रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट जिस साल पाकिस्तान आ जाए, मतलब जिस साल आए रेजिडेंट हो जाए वो वाला ईयर, और उससे नेक्स्ट ईयर में अगर कोई उसे फॉरेन इनकम मिले तो वो एग्जेम्प्ट होती है। ये तो आया, इसके लिए फॉरेन इनकम क्या होगी, बीइंग अ रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट एग्जेम्प्ट होगी, इसके ऊपर हम कोई किसी किस्म का टैक्स जो है वो चार्ज नहीं करेंगे। उसके बाद है अगला सवाल, इन द व्यू ऑफ, देखते हैं जी, ऑन 1 दिसंबर 2017 ब्रूसली वॉज अपॉइंटेड बाय चाइनीज कंपनी एज अ टेक्निकल डायरेक्टर फॉर पाकिस्तान। चाइनीज कंपनी ने ब्रूसली को पाकिस्तान के टेक्निकल डायरेक्टर के तौर के ऊपर अपॉइंट कर लिया। ही हैज़ प्रोवाइडेड यू द फॉलोइंग डिटेल्स, उसने ये आपको डिटेल्स वगैरह जो हैं प्रोवाइड कर दी हैं। अराइवल इन पाकिस्तान 15 दिसंबर को, ऑफिस ज्वाइन किया 20 दिसंबर को, 21 से 30 मार्च तक वो दुबई रहा, 12 से 21 अप्रैल तक कोरिया रहा वोकेशन के लिए, और फिर चला गया 4 जून से लेकर 9 जून तक पर्सनल ट्रिप के लिए नॉर्दर्न एरिया। इन द व्यू ऑफ प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 एंड रूल्स रिलेटेड, कमेंट ऑन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ ब्रूसली फॉर टैक्स ईयर 2008। हमने टैक्स ईयर 2008 के लिए बताना है कि ब्रूसली भाई साहब रेजिडेंट हैं कि नहीं है। अब टैक्स 8 है, साल निकले शुरू हुआ होगा 1 जुलाई 2007 पे और ख़त्म हुआ होगा 30 जून 2008 के ऊपर। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फ्रेम है, ये हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अब हमने सब कुछ लिखना है कि वो कब आया पाकिस्तान, दिसंबर में, तो दिसंबर में वो जब पाकिस्तान घुसा हमने वही काउंट करना है। 15 को आया तो 15 काउंट हो जाएगा, तो 15 से 31 करें तो दिसंबर के 17 डेज बनते हैं। फिर जनवरी का पूरा महीना पाकिस्तान रहा, जनवरी के 31 दिन बनते हैं। फरवरी का पूरा महीना रहा तो फरवरी के हम 28 दिन काउंट कर लेते हैं, लीप ईयर इग्नोर कर देते हैं। फिर चला गया दुबई में मार्च में। अब जब दुबई गया है मार्च में तो 21 तारीख को दुबई गया, तो जिस दिन पाकिस्तान से जाएगा वो भी दिन काउंट होगा, तो 21 दिन तो हो गए वो, प्लस वो 30 मार्च को आया तो जिस दिन वापस आया वो भी दिन काउंट होगा, तो 30 मार्च और 31 मार्च ये भी दोनों दिन हम काउंट करेंगे, 21 और 2 कितने हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे। फिर चला गया साउथ कोरिया अप्रैल में, अप्रैल में गया 12 तारीख को, तो 12 तारीख तक तो हम ये काउंट करेंगे, प्लस वो वापस आया 21 को, तो 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 10 दिन हम ये भी काउंट करेंगे, तो 22 दिन हमारे पास ऐप जाएंगे अप्रैल के। फिर मई में यहाँ पर रहे, मई में बाहर नहीं गया, मई के 31 हैं। फिर जून में पाकिस्तान में वालागर्दी करता रहा है, तो जून के भी इसके 30 दिन बन जाएंगे। तो सर ये सारा कुछ है, इसको सम कर लें, बताएं जी टोटल कितना बनता है ब्रूसली भाई साहब का।
इसका बनेगा जी 182 डेज, और ये क्या है, ब्रूसली नॉन रेजिडेंट है। अब इस तरह का सवाल आएगा ना, तो इस तरह का सवाल होगा तो ये जो डेज काउंट है ये आपने हमेशा लिख के बताना है। जस्ट लिख के आएंगे ना नॉन रेजिडेंट, और डेज काउंट नहीं शो करेंगे, नंबर नहीं मिलने, तो डेज काउंट लिखें कि आपने इस तरह से कैलकुलेशन की है ताकि आपको मार्क्स जो हैं वो प्रॉपर मिल जाएं। अगला सवाल देखते हैं, कहते हैं जी क्लीम लिमिटेड इज़ अ लिस्टेड कंपनी एंड इट्स अकाउंटिंग ईयर एंड्स ऑन 30th June। अकाउंटिंग ईयर कब ख़त्म होगा, 30 जून को ख़त्म होगा। क्लीम लिमिटेड इज़ नाउ कंसीडरिंग टू चेंज इट्स अकाउंटिंग ईयर फ्रॉम 30th June टू 30th September। वो क्या कह रहे हैं कि मैं अपने अकाउंटिंग ईयर को 30th June से 30th September पे लेके जाना चाहता हूँ। ब्रीफली डिस्क्राइब नॉर्मल स्पेशल एंड ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। बताएं जी नॉर्मल टैक्स ईयर क्या है, स्पेशल टैक्स ईयर क्या है और ट्रांजिशनल टैक्स ईयर क्या है। देखिए नॉर्मल टैक्स ईयर जो है डेट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 1st July एंड होगा 30 June को, ये है नॉर्मल टैक्स ईयर। वो चाहता है कहाँ पर चला जाए, उस टैक्स ईयर में जो ख़त्म हो रहा है 30 सितंबर को, मतलब वो शुरू होगा 1st October को और ख़त्म होगा जाके 30 सितंबर पे, वो यहाँ जाना चाहता है। तो ये है इसका स्पेशल टैक्स ईयर, ये है इसका नॉर्मल टैक्स ईयर। और ट्रांजिशनल टैक्स ईयर क्या होगा, 1st July से शुरू होगा और ये ख़त्म होगा जाके 30th September पे। तो ये जो होगा जुलाई अगस्त सितंबर, 3 महीने का इसका ट्रांजिशनल टैक्स ईयर जो है वो बन रहा होगा। फिर स्टेट द रिक्वायरमेंट्स रिगार्डिंग चेंज इन द टैक्स ईयर फ्रॉम नॉर्मल टू स्पेशल टैक्स ईयर। आप जाएंगे कमिश्नर को अप्लाई करेंगे, कंपेलिंग रीड शो करेंगे, अगर सेटिस्फाई हुआ एप्लीकेशन चेंज कर देगा, अदरवाइज वो आपको बुलाएगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड प्रोवाइड करेगा, उसके बाद क्या करेगा, आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट कर रहा होगा। और उसको अगर आपको उसके उससे इख्तलाफ हो डिसीजन से तो आप उसके खिलाफ अपील में जा सकते हैं, और अपील में जो जाएंगे आप किसके पास जाएंगे, FBR के पास जाएंगे। FBR का डिसीजन जो है वो हतमी होगा, वो किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं हो पाएगा। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 13 स्प्रिंग 19 का, इसको देखते हैं। कहते जी मोहसिन हैज़ बिन वर्किंग एज द हेड ऑफिस ऑफ लेविस कंसल्टिंग इनकॉर्पोरेशन। मोहसिन जो है वो LCI में क्या कर रहा है, काम कर रहा है। सिचुएटेड इन न्यूयॉर्क, वो कहाँ पे है, न्यूयॉर्क USA में है। ऑन 1st January 2008 1 जनवरी 2008 को LCI हैड इस्टेब्लिश इस ब्रांच ऑफिस इन पाकिस्तान, उसको ब्रांच ऑफिस में क्या किया, पाकिस्तान में भेज दिया फॉर 2 years एज अ कंट्री मैनेजर फॉर लुकिंग आफ्टर द पाकिस्तान ऑपरेशन। एज अ कंट्री मैनेजर 2 साल के लिए आया है, साफ सीधी बात है ये बंदा शॉर्ट टर्म रेजिडेंट है, एम्प्लॉयमेंटशिप के लिए आया है, स्टे भी 2 साल का है, जॉब कर रहा है, ये क्या होगा, शॉर्ट टर्म रेजिडेंट कंसिडर हो रहा होगा। ड्यूरिंग टैक्स ईयर 2009 अगले साल, अपार्ट फ्रॉम सैलरी इनकम, इनकम के अलावा मोहसिन अर्न रिसीव द फॉलोइंग अमाउंट, इसको ये रकम मिली है। 15 दिसंबर 2008 को ही कंडक्टेड अ सेमिनार इन USA फॉर अ फी ऑफ $18,000। ऑन हिज रिक्वेस्ट द इवेंट मैनेजर ट्रांसफर द अमाउंट नेट ऑफ टैक्स डायरेक्टली टू हिज पर्सनल बैंक अकाउंट इन इस्लामाबाद ऑन 10 जनवरी। हम पढ़ के आ चुके हैं कि अगर शॉर्ट टर्म रेजिडेंट हो, अगर शॉर्ट टर्म रेजिडेंट ने कोई भी फॉरेन इनकम जो है वो पाकिस्तान में रिसीव कर ली तो वो टैक्सेबल हो जाएगी। अगर उसको ये फी पाकिस्तान में रिसीव हो गई है तो ये इनकम इसकी क्या होगी, टैक्सेबल होगी, और इसके ऊपर से क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। उसके अलावा ऑन 31 मई 2019 ही अर्नड इनकम फ्रॉम हिज बिजनेस एस्टैब्लिश इन USA एंड ब्रॉड 40% ऑफ इनकम टू द पाकिस्तान। जो इनकम इसकी पाकिस्तान में आई है इसे क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर भी इसको टैक्स पे करना पड़ेगा। रिक्वायरमेंट है स्टेट द रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर मोहसिन फॉर 2008। X8 की बात करें तो X8 का मतलब है शुरू हुआ 2007 पे और ख़त्म होगा जाके 30 June 2008 पे। अब ये आया है कब, पाकिस्तान में 1st January पे, काउंट कर लेते हैं, जनवरी के बनते हैं इसके 31 दिन, फेब के बनते हैं इसके 28 दिन, मार्च के बनते हैं 31 दिन, अप्रैल के बनते हैं 30 दिन, मई के बनते हैं 31 दिन और जून के बनते हैं 30 दिन।
सम करके बताएं इसके 20x8 के लिए इसका डेज काउंट कितना बनता है। वन एटी वन बनता है, विच इज़ लेस देन 183 डेज। तो 2018 के लिए जब आया पाकिस्तान तो ये नॉन रेजिडेंट है। आप सिंपल बता देंगे ये भाई साहब कौन है, नॉन रेजिडेंट है। और टैक्सेबिलिटी ऑफ हिज फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर टैक्स ईयर 20X9 वो हमने बता दी है। जो इसको फॉरेन इनकम पाकिस्तान में मिल गई है वो इसकी क्या होगी, टैक्सेबल होगी, उसमें इसको कोई बचत वगैरह नहीं है। अगला सवाल है, रिस्पोंड टू द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिनेरियोज अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। जीन फ्रेंकस अ फ्रेंच डिज़ाइनर ऑफन विजिट्स टू पाकिस्तान फॉर प्रमोशन ऑफ हिज प्रोडक्ट्स, अपने प्रोडक्ट्स के प्रमोशन के लिए पाकिस्तान वो आता रहता है। ड्यूरिंग हिज लास्ट विजिट ही स्टेड इन पाकिस्तान फ्रॉम 10th जुलाई टू 25th फेबररी 2009। डिटर्मिन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ जीन फ्रेंकस फॉर टैक्स ईयर 20X9। टैक्स ईयर 20X9 के लिए बताना है, अज्यूमिंग डैट कमिश्नर हैज़ ग्रांटेड हिम परमिशन टू यूज़ कैलेंडर ईयर एज अ स्पेशल टैक्स ईयर। अब कहानी में ट्विस्ट क्या है कि हमने स्पेशल टैक्स ईयर के परस्पेक्टिव पे बताना है, कैलेंडर ईयर है ये, शुरू हुआ है जी 20X8 पे, जनवरी पे, और ख़त्म हुआ है हमारे पास 31 दिसंबर 20X8 पे, हमने इसके मुताबिक बताना है। अब ये भाई साहब आए हैं जुलाई में, जुलाई 10 को आए हैं, 31 तो जुलाई के बनते हैं, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ये बनेंगे आपके पास 15 और 6, 21 दिन जुलाई के बनते हैं। अगस्त के बनते हैं आपके पास 31 दिन, सितंबर के बनते हैं आपके पास 30 दिन, अक्टूबर के बनते हैं आपके पास 31 दिन, नवंबर के बनते हैं आपके पास 30 दिन, और दिसंबर ईयर एंड है उसके बनते हैं 31 दिन। इनका सम करके बताएं कितने डेज का स्टे बनता है इसका। आई गेस 174 डेज का बन रहा है, तो विच इज़ लेस देन 183 डेज, तो ये क्या होगा, जेन फ्रेंकस नॉन रेजिडेंट कंसीडर होगा। आप गलती पता क्या करते हो बच्चों, आप शुरू यहाँ से करते हो और सीधा जाके यहाँ तक काउंट कर देते हो 25 फेब तक, और कह देते हो रेजिडेंट है। इतने सवाल करवा दिए और बता बता के थक गए, वो जो टैक्स ईयर कह दे ना लिख लो, आपने सिर्फ इस टैक्स ईयर तक काउंट करना है, ईयर एंड से आगे नहीं जाना। बेशक वो 25 फेब को गया, वो अगले साल में फॉल कर गया, आपने उसमें नहीं घुसना, आपको आपके ईयर एंड का पता होना चाहिए और आपने उससे आगे मूव नहीं करना। यहाँ पे सिर्फ इस सवाल में ये अलर्ट रहना है। फिर है जी, डॉक्टर जमाल इस प्लानिंग टू एस्टेब्लिश अ हॉस्पिटल एज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, डिस्कस द कंडीशन डैट शुड बी कंप्लाइड बाय डॉक्टर जमाल अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। देखिए जी, पहली बात है कि कोई भी इंडिविजुअल जो है वो तो नहीं हो सकता, एओपी और कंपनी ही जो है वो एज अ एनपीओ के तौर के ऊपर रजिस्टर्ड हो सकती हैं। और अगर आपने एनपीओ के तौर के ऊपर रजिस्टर्ड होना है, डेफिनेशन पढ़ा है हमने, आप किसी रिलीजियस पर्पज़ के लिए, वेलफेयर के लिए, चैरिटेबल पर्पज़ के लिए, या प्रमोशन ऑफ एमेजर स्पोर्ट के लिए क्या हों, इस्टेब्लिश हों, नंबर वन। नंबर टू जो है कि आप फॉर्म एंड रजिस्टर्ड एज अ एनपीओ ही हों, तो ये अगर हॉस्पिटल को एज अ एनपीओ ही फॉर्म करवाता है, ठीक है, फिर जाके आपने कमिश्नर से क्या करना है, इसका सर्टिफिकेट लेना है। क्या करना है आपने, कमिश्नर से इसका सर्टिफिकेट लेना है, ड्यू फॉर्म होगा वो लेके आएंगे, अप्लाई करेंगे, उसको तमाम डॉक्यूमेंट्स देंगे, तो वो आपको एक सर्टिफिकेट इशू कर देगा कि आप एज अ एनपीओ के तौर के ऊपर क्या है, टैक्स में रजिस्टर्ड हो गए हैं। जब वो आपको एज अ एनपीओ के तौर के ऊपर टैक्स में रजिस्टर्ड कर देगा, तो वो आप पे पाबंदी भी लगा देगा कि आपने इस हॉस्पिटल के या इस एनपीओ के कोई भी फंड्स, कोई भी रेवेन्यू आपने अपनी पर्सनल ज़ात के लिए इस्तेमाल नहीं करने। तो यही डेफिनेशन है एनपीओ की, जो भी बताइए आपको उसके दफ़ा रीड आउट कर लीजिएगा, और इसी डेफिनेशन को आपने यहाँ पर लिखना है, आपको पूरे मार्क्स जो हैं वो मिल जाएंगे। उसके बाद है स्टेट द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001।
रूल्स रिलेटिंग टू चेंज ऑफ टैक्स ईयर फ्रॉम नॉर्मल टू स्पेशल टैक्स ईयर। हम ये अभी 3-4 दफ़ा डिस्कस कर चुके होंगे कि आप नॉर्मल से स्पेशल, स्पेशल से नॉर्मल जा सकते हैं। क्या करेंगे, जाएंगे कमीशन को अप्लाई करेंगे कि पेंडिंग नीड शो करेंगे, अगर वो सेटिस्फाई हो गया टैक्स ईयर चेंज कर देगा, अगर सेटिस्फाई नहीं है, अगर वो एप्लीकेशन आपको रिजेक्ट करता है बुलाएगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड प्रोवाइड करेगा, फिर आपकी क्या करेगा, दरख्वास्त को कैंसिल कर रहा होगा। और अगर आपको दरख्वास्त कैंसिल कर दे, आप उसके खिलाफ अपील में जा सकते हैं। कहाँ जाएंगे, बोर्ड के पास, और बोर्ड का फैसला जो है वो क्या होगा, हतमी होगा। सेकेंड सवाल है, डेट इज़ रिलेटेड टू इनकम फ्रॉम बिजनेस, चेंज ऑफ अकाउंटिंग मेथड। तकरीबन मेथड यही है, वो हम जाके बिजनेस में डिस्कस आउट कर लेंगे। तो ये इस चैप्टर के सारे सवाल है जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। इसको हमने इस तरह लेके चलना था। तो यहाँ पे हमारे पास पेपर्स जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। कंपनी की डेफिनेशन हम दोबारा जाकर पढ़ेंगे, कैपिटल गेन में तो वहाँ पे आपकी हो जाएगी, ठीक है। कंपनी के टाइप, एनपीओ भी अभी एनपीओ करवाया है, पूरी डेफिनेशन बता दी है, नोट्स में गिवन है, एक दफ़ा रीड कर लें, आपको समझ आ जाएगी। अभी आपको एनपीओ बताया मैंने, ठीक है जी। कल फिर हम अपना हेड ऑफ इनकम स्टार्ट करेंगे, पहला हेड ऑफ इनकम, और उसके मुताबिक फिर हम चीज़ों को लेकर चल रहे होंगे। अल्लाह हाफिज़।